हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों, सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्ण उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज मिल चुकी है, जबकि 70% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से सरकार बाकी लोगों तक भी पहुंच रही है। इसी माह वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रीकॉशनरी डोज की भी शुरुआत की गई है। अब तक देश में कुल 8 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज के लिए स्वीकृत मिल चुकी है। भारत में बन रही 3 वैक्सीन्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है। भारत में बन रही ये वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे देश के प्रयास केवल तात्कालिक चुनौतियों तक सीमित नहीं है। इसीलिए मेरी सरकार ऐसे दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए भी प्रभावी और उपयोगी रहें। सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जनसाधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी एक बड़ा कदम है। माननीय सदस्यगण, कोरोना काल में भारतीय फार्मा सेक्टर ने भी अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। वर्तमान समय में भारतीय फार्मा कंपनियों के उत्पाद 180 से ज्यादा देशों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक हैं। फार्मा इंडस्ट्री के लिए मेरी सरकार द्वारा घोषित PLI स्कीम से इन संभावनाओं को विस्तार मिलेगा और रिसर्च को भी गति मिलेगी। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2014 में देश से 6,600 करोड़ रुपए के आयुष उत्पादों का निर्यात होता था, जो आज बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दुनिया के सबसे पहले WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भी भारत में होने जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा
आदर से एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है, प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना। बाबा साहब के इन आदर्शों को मेरी सरकार अपने लिए ध्येय वाक्य मानती है। मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हो। इसीलिए आज सरकार की नीतियों में गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कारों के चयन में भारत की यह भावना भली भांति झलकती है। विविधता से भरे भारत में देश के कोने कोने में समर्पित जीवन जीने वाले लोग राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं, उनमें भारत की शक्ति के दर्शन होते हैं। माननीय सदस्यगण, कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जारी की गई। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए भी मैं सरकार के विजन की प्रशंसा करूंगा। दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन UPI के माध्यम से हुआ है। यह इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश में जन सामान्य द्वारा बदलाव और तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत 3 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1,17,00,000 घर स्वीकृत किए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। महामारी की बाधाओं के बावजूद करीब 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल के कनेक्शन से जोड़ा गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव की महिलाओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज देने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना भी एक असाधारण प्रयास है।
इस योजना के तहत अब तक 27,000 गांव में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। ये प्रॉपर्टी कार्ड न केवल विवादों को रोकने में सहायक हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंकों से मदद मिलना भी आसान हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1,30,00,000 किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हार्टिकल्चर और शहद उत्पादन भी किसानों के लिए आमदनी के नए स्रोतों और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुंच के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने से वर्ष 2020-21 में देश का शहद उत्पादन 1,25,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो कि 2014-15 की तुलना में करीब 55% ज़्यादा है। 2014-15 की तुलना में शहद की निर्यात मात्रा में भी 102% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिले, इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुंचना जरूरी होता है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू करते हुए किसानों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। कोरोना काल में भारतीय रेल ने सब्जियों, फलों तथा दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए 150 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज़्यादा किसान रेल चलाई और करीब 6,00,000 मीट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की। यह इस बात का उदाहरण है कि अगर सोच नई हो तो पुराने संसाधनों से भी नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। माननीय सदस्यगण, कृषि क्षेत्र में देश की सतत सफलता और बढ़ते सामर्थ्य का सबसे बड़ा श्रेय मैं देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूँ। देश के 80% किसान छोटे किसान ही हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन बदलावों के बाद से अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी जा चुकी है। खेतों के नज़दीक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी मेरी सरकार अभूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रही है। 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए 11,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम की शुरुआत भी की है। सरकार ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विशेष प्रयास भी कर रही है। यह आप सभी की जानकारी में है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को देश के किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओस, फूड इंडस्ट्री और जन सामान्य के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर मनाएगी। मेरी सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है। देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण
और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और अटल भू जल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड में पानी की चुनौतियों को समाप्त करने में सहायक होगी। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है। सरकार ने हजारों महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बैंकिंग सखी के रूप में भागीदार भी बनाया है। ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला योजना की सफलता के हम सभी साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल से अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। बेटे बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आय को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड का भी प्रावधान किया गया है। यह हर्ष की बात है कि मौजूदा सभी 33 सैनिक स्कूलों ने बालिकाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी महिला कैडेट्स के प्रवेश को मंजूरी दी है। महिला कैडेट्स का पहला बैच एनडीए में जून 2022 में प्रवेश करेगा। मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में 2014 के मुकाबले दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा था, ककर्क कसड्डर कर्प वई कट्रपिन निकर्क अदकर्क तगा, अर्थात एक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह उसके आचरण में दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प व सामर्थ्य को आकार देने के लिए मेरी सरकार देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत आईटीआई, जन शिक्षण संस्थान और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के जरिए पूरे देश में 2.25 करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास हुआ है। स्किल को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए यूजीसी के नियमों में कई बदलाव भी किए गए हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत हेल्थ केयर से जुड़े
6 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनसे हेल्थ केयर सेक्टर को मदद मिल रही है। सरकार द्वारा जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तथा एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार का काम किया जा रहा है। ये स्कूल लगभग 3.5 लाख जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाएंगे। माननीय सदस्यगण, टोक्यो ओलंपिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने 7 मेडल जीते। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय पैरा एथलीटों ने 19 पदक जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं तथा खेलकूद में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है। पैरा स्पोर्ट्स में दिव्यांग युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने ग्वालियर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना भी की है। माननीय सदस्यगण, दिव्यांग जनों के लिए सुगमता, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन के अवसर प्रदान करना एक समाज के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में आज सुगम्य भारत अभियान हमारी राष्ट्रीय संवेदना का परिचय दे रहा है। दिव्यांग जनों का जीवन बदलने के लिए देश में निःशुल्क सहायक उपकरणों से लेकर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 25 लाख से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं और करीब 4000 सफल कॉकलियर इम्प्लांट किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन की स्थापना भी की है। दिव्यांग युवाओं के भविष्य के लिए 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी बनाई गई है। माननीय सदस्यगण, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 नए स्टार्टअप्स बने हैं। इन स्टार्टअप्स के जरिए 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अस्तित्व में आए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7,400 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। भारत 5G मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिससे अनेक नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। भारत के युवाओं को तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, इसके लिए भी सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। कई नए सेक्टरों में प्रवेश के द्वार खोले। सरकार ने स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से पेटेंट और ट्रेडमार्क से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, उन्हें नई गति दी है। इसी का परिणाम है कि इस वित्त वर्ष में पेटेंट के लिए लगभग 6,000 और ट्रेडमार्क के लिए 20,000 से ज़्यादा आवेदन किए गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में GST कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $48 बिलियन का विदेशी निवेश आना इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक
भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय 630 बिलियन डॉलर से ऊपर है। हमारा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग 300 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है। मेरी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण PLI स्कीम्स शुरू की हैं। ये PLI स्कीम्स न केवल भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी, बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। देश में मोबाइल उत्पादन की सफलता मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे भारत के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए सरकार ने सिलिकॉन और कंपाउंड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले FAB, चिप डिज़ाइन और इनसे जुड़े वेंचर्स के लिए हाल ही में 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित किया है। मेरी सरकार नए क्षेत्रों के साथ साथ उन पारंपरिक क्षेत्रों में भी देश की स्थिति को पुनः मजबूत बना रही है जिनमें हमारे पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव है। इसी दिशा में मेरी सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क बनाए जा रहे हैं। इससे देश में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन तैयार होगी। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क्स भारतीय तथा विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे। माननीय सदस्यगण, भारत की समृद्धि में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं। कोरोना काल में MSMEs को संकट से बचाने और जरूरी क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल फ्री लोन्स की व्यवस्था की। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना की सहायता से 13.5 लाख MSME यूनिट्स को जीवन दान दिया गया और 1.5 करोड़ रोजगार भी सुरक्षित किए गए। जून 2021 में सरकार 3 लाख करोड़ रुपए की इस गारंटी को बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर चुकी है। MSME सेक्टर को विस्तार प्रदान करने तथा इस सेक्टर के लिए अवसर बढ़ाने हेतु कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। MSMEs की नई परिभाषा से छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों व स्ट्रीट वेंडर्स को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करने की अनुमति भी दी है ताकि उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लाभ मिल सके। मैं खादी की सफलता का भी विशेष उल्लेख करूंगा। आज़ादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, किसी भी देश के विकास का आधार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मेरी सरकार की दृष्टि में इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक असमानता को पाटने वाला सेतु भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले निवेश से न केवल लाखों नए रोजगार पैदा होते हैं बल्कि इसका एक गुणात्मक प्रभाव भी होता है। इससे व्यापार करना सुगम होता है, परिवहन की गति बढ़ती है
और हर सेक्टर में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। मेरी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है। यह प्लान भारत में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के एक नए युग का प्रारंभ करने जा रहा है। भविष्य के भारत में रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज अलग अलग और अलग थलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, बल्कि एक देश के एकजुट संसाधन के तौर पर काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को उड़ान मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं। वर्ष 2020-21 में ग्रामीण इलाकों में 100 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक की रफ्तार से 36,500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और हजारों रिहायशी क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। आज देश के नेशनल हाईवेज भी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे देश को एक साथ जोड़ रहे हैं। मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90,000 किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों पर काम किया जा रहा है। इनमें 23 ग्रीन एक्सप्रेसवेज और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स का विकास भी शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा होने के करीब है, जो कि भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे होगा। मेरी सरकार को पंढरपुर तीर्थ को जोड़ने वाले संत ज्ञानेश्वर मार्ग और संत तुकाराम पालकी मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू करने का सौभाग्य भी मिला है। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से आज जहां एक ओर विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इससे देश की सुरक्षा को भी नई ताकत मिल रही है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख के देमचोक, उत्तराखंड के जोलिंगकोंग और अरुणाचल प्रदेश के हुरी जैसे सर्वाधिक दूरस्थ गांवों को भी आधुनिक सड़कों से जोड़ा गया है। मेरी सरकार भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। नई वंदे भारत ट्रेनें तथा नए विस्टाडोम कोच भारतीय रेल की आभा में वृद्धि कर रहे हैं। बीते 7 वर्षों में 24,000 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है। नई रेलवे लाइंस बिछाने और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से जारी है। गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आज आधुनिक भारत की नई तस्वीर के रूप में सामने आए। कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित हो रहा रेलवे आर्च ब्रिज आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाने में भी असाधारण काम किया है। देश में 11 नई मेट्रो लाइंस पर सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है। भारत आज दुनिया के 4 सबसे बड़े ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क वाले देशों में भी शामिल हो गया है। हमने देश में इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम भी विकसित किया है, जो कि मेक इन इंडिया की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। सरकार ने देश में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी है। इनमें से देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहा है। देश के महत्वपूर्ण कारोबारी क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से अधिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है। अब तक 24 राज्यों में 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों और 106
नए जलमार्गों सहित कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनमें से 23 जलमार्गों के जरिए माल परिवहन भी हो सकेगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सरकार द्वारा 27,000 सर्किट किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइंस भी बिछाई गई हैं। माननीय सदस्यगण, बीते समय में हमने देश में आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प को ठोस आकार लेते देखा है। इस संकल्प को रिफॉर्म्स की ऊर्जा से तेज गति प्राप्त हो रही है। नए लेबर रिफॉर्म्स से लेकर बैंकिंग रिफॉर्म्स और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तक सुधारों का यह क्रम बिना रुके अनवरत चल रहा है। विगत वर्ष केंद्र और राज्यों के अलग अलग विभागों में 26,000 से ज़्यादा कंप्लाइंसेस की आवश्यकता को घटाया जा चुका है। देश में स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलकर संभावनाओं का अनंत आकाश भी उपलब्ध करा दिया गया। पिछले साल भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन स्पेस का गठन किया जाना ऐसा ही एक प्रमुख कदम है। तेजी से विकसित हो रही ड्रोन टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी संभावनाओं को लेकर भी मेरी सरकार सजग और सक्रिय है। इस दिशा में सरकार ने सिंप्लीफाइड ड्रोन रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है और ड्रोन व ड्रोन कलपुर्जों के देश में निर्माण के लिए PLI योजना भी शुरू की है। इससे देश को भविष्य की इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में, देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियां प्रदान की गईं, उनमें 87% उत्पादों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार 2020-21 में 98% उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। हमारी सेनाओं ने 209 ऐसे साजो सामान की सूची भी जारी की है जिन्हें अब विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। रक्षा उपक्रमों द्वारा 2800 से ज़्यादा ऐसे उपकरणों की सूची जारी की जा चुकी है जिनका देश में ही निर्माण किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। सरकार ने आर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 डिफेंस PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को तेजी से बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो। माननीय सदस्यगण, तेजी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अगस्त 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की और इस दौरान कई अभूतपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत की अध्यक्षता में ही सुरक्षा परिषद ने पहली बार समुद्री सुरक्षा के विषय पर अपने एजेंडा आइटम के अंतर्गत समग्र रूप से विचार विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस विषय पर पहली बार एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट को सर्वसम्मति से अडॉप्ट भी किया। हमने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अस्थिरता और नाजुक हालात को भी देखा है। भारत ने इन परिस्थितियों में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए ऑपरेशन देवी शक्ति को संचालित किया। हमने अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे कई नागरिकों और कई अफगान हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया। हम उन कठिन हालात के बीच से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूपों को भी सुरक्षित भारत लेकर आए। मानवता की दृष्टि से भारत अफगानिस्तान में मेडिकल सप्लाई और अनाज पहुंचाने में भी मदद कर रहा है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के सामने बड़ी चुनौती है। भारत इस विषय पर एक जिम्मेदार वैश्विक आवाज बनकर उभरा है।
COP26 शिखर सम्मेलन में मेरी सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी रखा है। भारत ने विश्व समुदाय को साथ लेकर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल भी की है। यह ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बन रहा है। पर्यावरण को लेकर हमारे बड़े लक्ष्य और साहसिक संकल्प प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित, समृद्ध और सशक्त करना अपना दायित्व समझती है। यह गौरव की बात है कि धौलावीरा की हड़प्पा साइट और तेलंगाना स्थित 13वीं शताब्दी के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रयागराज कुंभ मेले के बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कोलकाता की प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया। सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। 100 वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। दुनिया के अलग अलग देशों से ऐसी ही कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भारत में वापस लाई जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि विरासत और पर्यटन का एक दूसरे से गहरा नाता है, इसीलिए आज एक और भारत की आध्यात्मिक विरासत को फिर से जीवंत किया जा रहा है, तो साथ ही तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो रहा है। मेरी सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाएं इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के अवसर पर फोर्ट अगुआडा जेल परिसर में स्मारक का जीर्णोद्धार करके उसका उद्घाटन किया गया है। यह गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों के अविस्मरणीय संघर्षों का स्मारक है। माननीय सदस्यगण, आज़ादी के अमृतकाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के आधार पर आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड बनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 1 एम्स जम्मू में और 1 कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन राज्यों में हर स्तर पर बुनियादी और आर्थिक अवसरों का विकास किया जा रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियाँ मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है।
हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही कार्बी आंगलोंग के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूह के बीच समझौता हुआ है। इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 126 से घटकर 70 रह गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार नागरिकों की जरूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कृत संकल्प है। बकाया मामलों में निपटान हेतु तथा स्वच्छता के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की है। मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के कैरियर में भी सहायक होगा और राष्ट्र निर्माण की नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। न्याय प्राप्ति को सरल और सुगम बनाने के लिए भी देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। टेली लॉ प्रोग्राम के माध्यम से मुकदमों से पहले सलाह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। विवादों के निपटारे में गति लाने के लिए मेरी सरकार ने राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक 2021 पेश किया है। माननीय सदस्यगण, आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं है, बल्कि देश के कोटि कोटि नागरिकों की है। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है। ये सभी उपलब्धियां हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की लंबी यात्रा में एक तरह से मील का पत्थर है और आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रेरणाएं भी हैं। वर्ष 2047 में देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। कोरोना काल में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी सावधानियों का पालन करते हुए दोनों सदन संचालित हुए, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करता हूं। आप सभी सांसदगण करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के सारथी हैं। इसी भावना के साथ हमें आगे भी काम करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने महान भारतवर्ष को गौरव के शिखर तक लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।